हेलो एवरीवन दिस इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन से एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन यहां हम रॉकेट रिवीजन कर रहे हैं क्लास टेंथ के इंग्लिश सब्जेक्ट का जिसमें वी हैव स्टार्टेड विद द बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड आर इंटायर सिलेबस हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नाइन का पोम विच इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड इट इज एब्सोल्यूटली फनी बहुत इंटरेस्टिंग सी एक पोम है सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट लेट्स बिगिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट सबसे पहले इनके पोएट कौन है ये आपको पता होना चाहिए हर पोम के पोएट हर चैप्टर के राइटर का नाम तो पता होना ही चाहिए हियर वी हैव ऑगडन नैश पोएट का नाम है ऑगडन नैश ओके दिस पोएम इज अ बैलेड बैलेड का मतलब क्या होता है अ सॉन्ग ऑफ पोम दैट टेल्स अ स्टोरी तो

लिटिल मतलब so, रेड वेगन वेगन यहाँ पे जो गाड़ी होती है यू you नो know, जो गाड़ी चलाने के लिए होती है उसको वेगन कहा जाता है एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन और रियली really में

ब्लैक किटन का नाम क्या था इंक ग्रे माउस का नाम था ब्लिंक जो येलो डॉग था इट वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड लेकिन जो उसके पास जो ड्रैगन था वो एक का ड्रैगन था कावर्ड था वो एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड सो यहाँ पे सबके नाम आपको पता होने चाहिए तो किटन का नाम था इंक माउस का नाम था ब्लिंक और जो डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड एंड यहां जो ड्रैगन है उसका नाम था कास्टर्ड ओके नेक्स्ट कस्टर्ड ड्रैगन हैड टीथ कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े एकदम शार्प टीथ थे एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ और उसके ऊपर जैसे ड्रैगन है ये सो so उसकी जो ये बॉडी थी उसमें इस तरीके से स्पाइक्स बने हुए थे पूरे एंड स्केल्स अंडरनीथ और नीचे साइड में जो पूरे थे जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी था उसमें जैसे सांप की स्किन होती ना स्केल्स वैसे थे माउथ लाइक प्लेस उसका जो मुंह था ऐसा लगता था आग की जगह है नोज और नोज की जगह मतलब और सच्ची में रियल में ट्रूल ट्रूली डैगर्स ऑन स्टोज का मतलब क्या होता है यहाँ पे इतना जो उसके जो टोज थे उसके जो नेल्स थे वगैरह वो इतने शार्प थे वो किसी को भी कट कर सकते थे बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एजल फुल ऑफ बंक एंड ब्लंक चेज लायउन दिलिंडा बहुत ब्रेव थी इतनी ब्रेव थी डेट वो जो थी एकदम फुल बैरल मतलब ड्रम फुल ऑफ बेर्स होंगे उनको भी भगा सकती थी एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्ट्रीट और ये जो उसकी जो कैट और उसका जो माउस था वो इतने ज्यादा करेजियस थे कि वो तो एक लायन को भी भगा दें

दे ऑल सेट लाफिंग ड्रैगन सो बेलिंडा जो थी उसको टिकल करती थी गुदगुदी करती थी और बहुत बहुत ही ज्यादा गुदगुदी करती थी अनमर्सिफुल ओके बहुत ज्यादा हार्शली टिकल करती थी इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे वो उसको पर्सिबल बुलाते थे पर्सिबल इज अंग्स नाइट हू वॉज थॉट टू बी ब्रेव बट ही बैटल परसिवल मतलब एक किंग का जो था नाइट था मतलब एक सरसा सिपाही था जो कि जिसको लोग सोचते थे कि वो बहुत ब्रेव है लेकिन जहां बैटल की बात हुई थी वो भाग गया था बीच में दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन मतलब वो सब लोग जो थे अपनी व्हीकल में बैठे हुए थे एट द रीलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन सब लोग जो थे उस ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे उस पर हंस रहे थे बेलिंडा गिगल शिल टिल शी शुक द हाउस

उसकी जो पूरी बेड थी वो ब्लैक ब्लैक कलर की थी और उसका एक पैर जो था वो लकड़ी का था और उसको देख के समझ में आया था कि वो बहुत डेंजरस मूड में वो यहाँ पे कुछ अच्छा करने नहीं आया है बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर टेरिफाइड विदिफाइड इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड सो so, बेलिंडा जो थी एकदम वो डर गई और उसने बोला मदद करो मदद करो हेल्प हेल्प लेकिन जो मस्टर्ड था वो तो भाग गया और एकदम से जोर से उसने येल्प किया येल्प का मतलब क्या होता है एकदम उसने आवाज निकाली ओ माय गॉड और वो वहाँ से भाग गया इंक जो था वो घर के एकदम नीचे जाके जो बॉटम साइड में जाके उसने अपने आप को छुपा लिया और ब्लिंक जो था इट रैन टू हिज माउस होल एंड स्मार्टली हिट टू सेव हिमसेल्फ वो अपने माउस होल में चला गया और अपने आप को छुपा लिया वहाँ पे But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon.

के जो पूरी रॉड्स होती है उसमें किसी ने जोर से एक आयरन रॉड मार दिया हो लाइक रॉबिन वॉर्म अटैक्स अ वॉर्म कस्टर्ड अटैक द पायरेट जैसे रॉबिन वॉर्म जो है किसी वॉर्म को अटैक करेगा वैसे ही कस्टर्ड ने उस पायरेट को अटैक किया द पायरेट गिफ्ट एट बेलेंडास ड्रैगन and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, but they didn't hit. As and custard gobbled him every bit. So, the pirate tha, usne ekdam gave, matlab shock ho ke usne Belinda ke dragon ko dekha, custard ko dekha usne and gulped some grog from his pocket flagon. Usne apni pocket me se ek ma, ek uh, uh, फ्लास्क निकाला उसमें जो था क्या ग्रॉक का मतलब अल्कोहल थे उसने उसको पी लिया ही फायर but they didn't दे उसने कस्टर्ड की तरफ दो बुलेट्स फायर करी लेकिन कस्टर्ड को लगी नहीं एंड कस्टर्ड हिम और कस्टर्ड उसको पूरा का पूरा खा गया बिट बाय बिट एम्ब्रेस्ड हिम

दो गुना ज़्यादा ब्रेव होता मतलब अगर मैं इतना फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता अगर मैं इतना नर्वस और इतना कंफ्यूज नहीं होता तो मैं इससे दो गुना ज़्यादा मतलब करेजियस होता एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक इंक और ब्लिंक ने क्या कहा We would have been three times as brave with him. हम तो तीन गुना ज्यादा ब्रेव हो जाते कस्टर्ड ने बोला तुम लोग सही कह रहे हो मुझसे ज्यादा तुम ही लोग ब्रेव हो ओके okay? बेलिंडा स्टिल लिटिल व्हाइट हाउस बेलिडा अभी भी अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस अपने माउस और अपनी कैट के साथ एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वेगन एंड ट्रूल लिटिल पेट ड्रैगन और अभी भी वहाँ पे उसी घर में अपने किटन माउस डॉग अपने वेगन और अपने पेट ड्रैगन के साथ रहती है एंड दैट इज़ इट सो दिस वॉज अ बैलेट जहाँ पे एक स्टोरी आपने समझ ली वट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम द मैसेज इज दैट जो अपनी बहुत बड़ाई करते हैं वो होते हैं। वो नहीं बोलते हैं, जो गरजते हैं वो बरजते नहीं सो इफ़ यू आर लिटरली करेजियस इफ़ यू आर ब्रेव यू बोस्ट अबाउट योर सेल्फ ठीक है अपेरेंस कैन बी डिसप्टिव मतलब जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है नेक्स्ट इसकी राइम स्कीम क्या है सो so, पूरे अगर आप इसमें देखोगे सो अपार्ट फ्रॉम स्टैंडा थर्टीन थर्टीन स्टैंडा के अलावा सबकी जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी सिर्फ थर्टीन स्टैंडा जो है उसका है ए ए बी बी सी सी ओके

दैन वी हैव एनाफोरा एनाफोरा का मतलब होता है अगर कोई जो सेंटेंस है बैलेट में या पोम में जो आपका सेंटेंस है वो फर्स्ट लेटर उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो रिपीट हो रहा है सेम है जैसे कि एंड 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 द लिटिल एंड द लिटिल तो ये जो सेम वर्ड या फ्रेज या सेंटेंस से बार बार स्टार्ट अगर वो हो रहा है उसको अपन एनाफोरा कहते हैं देन इज ऑक्सीमोरन ऑक्सीमोरन मतलब दो एकदम ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में पेयर करना जैसे यहाँ पे है पेट और ड्रैगन ड्रैगन और पेट दोनों एकदम ऑपोजिट वर्ड्स है राइट पेट मतलब पालतू तो चीज ड्रैगन मतलब वाइल्ड एनिमल एकदम एक्सट्रीमली वाइल्ड तो दोनों को एक साथ आपने लिखा एकदम ऑपोजिट नेचर वालों को उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं देन पोएटिक लाइसेंस पोइटिक लाइसेंस मतलब क्या होता है really ट्रुलियो ये कोई वर्ड नहीं होता विंडा विंडो को उसने विंडा बोला ये कोई वर्ड नहीं होता लेकिन ये पोइटिक लाइसेंस होता है पोइट्स के पास कि अगर आपको अपनी राइमिंग स्कीम को मैच करना है तो आप वर्ड्स को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो दैट इज पोइटिक लाइसेंस एंड नेक्स्ट वी है वर्ड एज अको जैसे इसने बोला द लिटिल डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड सो यहाँ पे मस्टर्ड के साथ उस डॉग को कम्पेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड एज तो ये सिमिली हो गया माउथ लाइक अस उसका मुंह कैसा था फायर प्लेस जैसा लाइक वर्ड यूज किया है हो गई इससे मिली देन अगेन ब्रेव एज अ बैरल अग लाइक लाइक आयरन पायरेट तो यहाँ हर जगह दो चीजों को कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड एज और लाइक तो ये हो गया सिमिली देन वी हैव अलिट्रेशन अलिट्रेशन मतलब होता है जहां पे सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है फॉर एग्जाम्पल बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड का साउंड रिपीट हो रहा है सिमिलरली बेलेंडा वॉज ब्रेव बैरल बेस ब का साउंड रिपीट हो रहा है हिज बियर्ड ब्लैक द लेग वॉज वुड यहाँ पे व का साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे ब का साउंड रिपीट हो रहा है सम फ्रॉम हिज पॉकेट सो पे ग का साउंड रिपीट हो रहा है इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डेड गायरेट तो so, यहाँ पे ग का साउंड रिपीट हो रहा है ओके नाउ कम्स द मेटाफॉर मेटाफॉर मतलब जहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर तो कर रहे हो बट अनलाइक सिमिलीज आप यहाँ पे एज और लाइक वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हो जैसे मैंने बोला चिमनी फॉर द नोज इसका मतलब उसकी नोज को वो चिमनी से कंपेयर कर रहा है लेकिन एज ऑ लाइक वर्ड यूज नहीं किया तो ये हो गया आपका मेटाफॉर ओके देन वी हैव एसोनेंस एसोनन्स जैसे जहाँ पे सेम वल का साउंड जो है वो साउंड आजन जैसे मैंने बोला ग्ली ब्ली यहाँ पे है कि ई का साउंड रिपीट होता है विच इज अ वोविल उसे एसोनेंस कहते हैं जैसे कि ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैबल यहाँ पे ए का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है Similarly, ink, blink, in, dead. यहाँ पे e का साउंड रिपीट हो रहा है Around the dragon that ate the pirate. यहाँ पे भी a का साउंड रिपीट हो रहा है ये हो गया आपका एसोनेंस अब जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होता है वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट जैसे सडनली सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड अब देखो यहां पर अगर आप बोलो यह लिट्रेशन है सडनली सडनली रिपीटेशन भी है लेकिन नास्टी में सर का साउंड बीच में आ रहा है इसीलिए दिस इज अन्सोनेंस ओके अब है एल्यूजन एल्यूजन मतलब क्या होता है जहाँ पे आप पोम में किसी renowned पर्सनालिटी या renowned प्लेस के बारे में बात कर रहे हो क्यों क्योंकि आपको या तो कंपैरिजन करना है या आप तो आपको उसका रेफरेंस देना है उसको हम एल्यूजन कहते हैं जैसे पर्सीवल जो है एक किंग का नाइट था जो बैटल के बीच में भाग गया था हमने उसका यहाँ पे यूज किया इसको हम एल्यूजन कहते हैं ओके पर्सोनिफिकेशन मतलब अब यहाँ पे जितने भी पेट एनिमल्स हैं

उसकी हंसी की आवाज को हमने क्या बोला गिगल एंड ब्लिंग सेड वीक वीक मतलब उसकी अगेन आवाज की बात हो रही है मस्टर्ड ग्राउल्ड म्याउच विद अ क्लैटर क्लैंक एंड जैंग ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये साउंड को इमिटेट कर रहे हैं इनको अच्छे से समझ लेना और ये सारे वर्ड्स ओनोमेटोपेक वर्ड्स हैं ठीक है थीके? नाउ द लास्ट वन इज इमेजरी अब जब हम ये पूरी कहानी पूरी जो पोम पढ़ रहे थे तो वी कुड एक्चुअली इमेजिन थिंगस जैसे उसने बोला अपेयरेंस ऑफ द पायलट की पायलट का एक पैर लेगवुड का था उसकी ब्लैक दाढ़ी थी उसके दोनों हाथ में पिस्टल थे उसके घर पर एक छोटी सी तलवार थी तो आप इमेजिन कर सकते हो सिमिलरली अटैक जिस तरीके से पायलट पर ड्रैगन ने ड्रैगन uh, ने पायलट पर अटैक किया पैरेट का जो रिएक्शन था आप कुछ पूरी आपके सामने मूवी चल सकती थी तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो फिगरेटिव तरीके से जो बताया जाता है उसको बोलते हैं हम इमेजरी ठीक है एंड दैट इज इट हियर वी आर डन विथ एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोव मीनिंग मैसेज राइमिंग पैटर्न लिटरेरी डिवाइस सो वी आर डन विद एवरीथिंग एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एम्स्यूज पहला, पोएट ऑफ द पोम कौन है पोएट अभी हमने देखा था, था? था? ब्लैक किटन का का नाम क्या था? इंक. Okay, mouse का नाम क्या क्या वेरी गुड और सबसे ज्यादा टिमिड टिमिट कहा गया है सबसे ज्यादा एकदम मतलब जो बिल्कुल कुछ नहीं करता कावर्ड सा ड्रैगन नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड So sharp as mustard, दो चीजों को कंपेयर करो यूजिंग द वर्ड एज ये क्या हो गया सिमिली वॉट डल ड्रैगन पर्जे ड्रैगन के पास क्या क्या है बिग शार्प टूथ यस स्पाइक्स है ये शार्प टोज है ये yes. तो so हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव नेम द पोएट्रिक डिवाइस यूज इन द लाइन माउथ लाइक अ फाइव प्लेस माउथ लाइक अ फाइव प्लेस अगेन आप उसके माउथ को फाइव प्लेस से कंपेयर कर रहे हो यूजिंग द वर्ड लाइक तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमिली ंडा यूज टू टीस बेलिंडा किस को चढ़ाया करती थी कस्टर्ड को ड्रैगन को ओके देन सेव्ड एवरी वन फ्रॉम द पायलट किसने सबको बचाया पायलट उसके बाद है वेड कस्टर्ड डू टू द पायलट उसको पूरा गोबल कर गया मतलब वो उसको खा गया मार के खा गया सो so दिम अब आते हैं हम क्वेश्चन पे बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अफ केज बेलिंडा nice so, का ड्रैगन था और वो ज्यादा लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था इसलिए वो अपने आपको सोचता था केज में रहो सो so, आंसर क्या है कस्टर्ड इज बेलिंडाज ड्रैगन ओके ही क्राइड फॉर अफ केज बिकॉज ही वॉज अ कावर्ड क्यों क्योंकि वो डरपोक था

उसको कावर्ड माना जाता था द हमल ड्रैगन प्रूवड हिज ब्रेवरी इन एडवर्सिटी लेकिन जब एडवर्सिटी का मतलब है जब डिफिकल्ट सिचुएशन आई एडवर्सिटी का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन तो जब डिफिकल्ट सिचुएशन आई तब उसने अपनी ब्रेवरी का परिचय दिया ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज दैट सर्टन क्वालिटीज लाइक ब्रेवरी एंड करेज आर सिचुएशनल एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेस योर व्यूज विथ रेफरेंस टू द पोम अब यहाँ पर हमें ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें यह बोला है कि कुछ चीज़ें जैसे कि ब्रेवरी होती है करेज होती है ये स्पॉन्टेनियस होती है और सिचुएशन पे बेस्ड होती है तो इसको पोम के रेफरेंस में आपको ये समझाना है सो द आंसर इज कस्टर्ड हम्बलनेस वन एवरी रीडर्स हार्ट एज ही शोड ट्रू ब्रेवरी एंड डिड नॉट बोस्ट लाइक बेलिंडा एंड हर अदर पेट्स कस्टर्ड की जो हम्बलनेस है मतलब वो कितना उसका बड़ा दिल है प्लस वो हम्बल है वो ही इज डाउन टू अर्थ वो अपने ऊपर बाकी लोगों की तरह बेलिडा उसके बाकी पेट एनिमल्स की तरह बोस्ट नहीं करता कि मैं तो इतना ब्रेव हूँ मैं तो इतना ब्रेव हूँ उसको पता है वो ब्रेव है वो हम्बल है सो एवरी वन बोस्टेड ऑफ देर ब्रेवरी बट वेन दे फेस्ड रियल डेंजर इट वॉज लाइक इट वॉज ओनली कस्टर्ड हू हैड द करेज टू फेस इट सब अपनी अपनी ब्रेवरी को बोस्ट कर रहे थे लेकिन जब एक्चुअल में डेंजर आया तो सिर्फ कस्टर्ड ने उसको फेस किया एंड ही प्रूवड हिस्स ब्रेवरी बाई नॉट रनिंग अवे एंड फेसिंग द पायरेट एंड किलिंग हिम उसने अपनी ब्रेवरी कैसे प्रूव करी वो भागा नहीं वहां से वो पायरेट से लड़ा उसने फेस किया और उसको मार गिराया ओके

एज बिकम्स क्लियर फॉर कस्टर्ड एग्जाम्पल कस्टर्ड का एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा भैया सिचुएशनल है जहां सिचुएशन आई उसने अपनी ब्रेवरी दिखाई कस्टर्ड लुकड फॉर कम्फर्ट ऑल द टाइम बट दिस डिड नॉट मीन दैट ही उसको पूरे टाइम कम्फर्ट चाहिए था वॉन्टेड टू बी सेज लेकिन दैट डीन की वो एक कावर्ड था नेक्स्ट क्वेश्चन

करेजियस uh, हैं तो हमें यह बताना है कि ये जो हम्बलनेस की जो क्वालिटी होती है यूमिलिटी होती है ये हमारे अंदर होनी ही चाहिए ये एक अच्छी क्वालिटी है इसी के बारे में बात करनी है सो कस्टर्ड हम्बली एक्सेप्ट दैट अदर एनिमल्स आर ब्रेवर देन हिम वो एकदम मान लेता हाँ भैया तुम ही लोग ज़्यादा ब्रेव हो तो यहाँ पे क्या है कस्टर्ड वॉज एक्चुअली वेरी हम्बल ही हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ वो अपने आप को बिल्कुल नहीं दिखाता तो बोलता था हाँ भैया तुम लोग सब बड़े मैं छोटा बेलिंडा एंड अदर एनिमल्स प्रिटेंडेड टू बी ब्रेव बेलिंडा और जो बाकी के उसके पेट एनिमल्स थे वो प्रिटेंड करते थे कि वो ब्रेव हैं एंड इंजेक्ट मॉक्ड एट एन इनफैक्ट मॉग्ड एट इनफैक्ट मॉकड एट कस्टर्ड मतलब और

में लेके आ दें मस्ती लेके आ दें कॉमेडी लेके आ दें ठीक है एंड लास्ट क्वेश्चन वाई इज इट फेयर टू से दैट कस्टर्ड कुड बी द पोस्टर बॉय फॉर द बिलीव दैट द रियल नेचर ऑफ अ पर्सन इज रिवील्ड एट टाइम्स ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी तो हम कस्टर्ड को पोस्टर बॉय बोल सकते हैं मतलब यही है हमारा हीरो सो कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज द ओनली वन हु वॉज एक्चुअली ब्रेव सिर्फ वही बिलीव था The others were all cowards. सब के सब cowards थे They disappeared when they saw the pirate. जब उन्होंने pirate को देखा दो gun के साथ सब के सब भाग खड़े हुए But the dragon faced him bravely and swallowed him up. लेकिन dragon ने उसको bravely you know face किया उसको खा गया इसका मतलब real hero कौन था हमारा Custard the dragon. Clear? Form interesting थी और आपको अब सब समझ में आ चुका है You are all prepared for your board exams. सो so, अब हम हाँ मिलेंगे रॉकेट रिवेशन में एक और चैप्टर के साथ बने रहिए मेरे साथ एंड यस yes, अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फोगेट टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ख्याल रखो अपना एग्जाम से बिल्कुल खाना पीना सब बहुत अच्छे से इस पार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स रखना पानी पीते रहना एंड ऑल द बेस्ट मिलेंगे बहुत जल्दी टेक केयर बाय